हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ टी टाइम के लिए बहुत ही प्यारी सी रेसिपी, जिसे आप स्टोर भी कर सकते हैं 1 मंथ के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब देना ना भूलें। मात्र घर के 3 इंग्रेडिएंट्स से ही ये रेसिपी मैं बनाऊँगी फ्रेंड्स। तो यहाँ पर मैंने लिया है चना दाल, मतलब चना दाल को मैंने लगभग 6 से 8 घंटे के लिए, मैं 8 घंटे मैंने पूरी तरह से इसको सॉफ्ट करके रखा हुआ था। 8 घंटे बाद मैंने इसे 2-3 पानी से अच्छी तरह से इसको धुल लिया है। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ फ्रेश चना दाल, जिसे मैंने तोड़ कर भी दिखाया, मतलब इतनी अच्छी से फुली हुई होनी चाहिए कि जब आप तोड़े तो वो आसानी से टूट जाए। तो इस तरह की ये दाल फुली हुई होनी चाहिए फ्रेंड्स। अब मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पर लूँगी कढ़ाई, और कढ़ाई में मैंने यहाँ पर थोड़ा सा डाला घी। घी को मैं अभी, मतलब बर्तन गर्म होगी तो ऑलमोस्ट घी भी गर्म हो ही जाएगी। तो जब घी अच्छी तरह से पिघल जाएगी तो मैं इसमें डाल दूँगी जो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, वैसे तो मेरे यहाँ मुरही बोली जाती है इसको, पता नहीं आपके यहाँ क्या बोली जाती है, प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मेरे यहाँ तो मुरही बोली जाती है या फिर फरही, ये बोला जाता है यहाँ मेरे यहाँ पर। तो मैंने इसे मीडियम फ्लेम पर कंटिन्यू चलाते हुए हल्का सा भुना ताकि ये कुरकुरी हो जाए। इसे कुरकुरा पूरी तरह से करना है फ्रेंड्स, मतलब जब आप पूरी, मतलब इसको चेक कैसे करेंगे, तो चेक करने के लिए कुछ टाइम के लिए आप इसे पकाएं। लगभग 2 मिनट के लिए तो पकाना ही पकाना, मतलब भूनना ही भूनना है इसको। 2 मिनट भूनने के बाद फिर आप उसको चेक करें, इस तरह से उंगली में ले, और मतलब 2 उंगली के बीच में लेकर इस तरह से एक दाना को आप इस तरह से मैश करेंगे तो आपको पता चलेगी वो कुरकुरी टाइप की हो जाएगी और मतलब आवाज़ करती हुई टूटेगी। इस तरह से आप जब आप करेंगे तो वो टूटेगी। तो मेरी अभी हल्की सी टूट रही, तो मैंने फिर से उसको हल्का भुना और फिर से मैंने तोड़कर देखा फ्रेंड्स, तो ये पूरी तरह से भुन चुकी थी, मतलब कुरकुरी हो जाती है पूरी तरह से। जब ये कुरकुरी हो जाए तो तुरंत इसे दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर दें, और फिर उसी कढ़ाई में थोड़ी सी डालनी है तेल, मतलब रिफाइंड डाल रही हूँ फ्रेंड्स मैं यहाँ पर। रिफाइंड में मैंने लिया एक पापड़, अपने पसंद की किसी भी कंपनी की आप पापड़ ले सकते हैं। उसे अच्छा से उसको फ्राई कर लेना, अच्छी तरह से उसको सेक लेना है तेल में। बहुत लोग आग में भी सेक कर खाते हैं तो, लेकिन यहाँ पर फ्रेंड्स तेल वाला ही चलेगा। तो मैं यहाँ पर तेल में फ्राई करके इसको भी निकाल लेती हूँ। मेरा अगला प्रोसेस है फ्रेंड्स, तेल अच्छी तरह से गर्म होनी चाहिए तब जो मैंने ये जो चना दाल को सोक्ड किया हुआ था उसे मैं डालूंगी। फ्लेम को मैं मीडियम से थोड़ी सी हाई रखूंगी और इस तरह कंटिन्यू चलाते हुए इसे कुछ टाइम के लिए पकने दूंगी। आप कहेंगे कि इसे कब तक पकाना है, तो फ्रेंड्स इसका भी मैं ट्रिक आपको बताऊंगी। कुछ टाइम पकाने के बाद मैं आपको बताती हूँ कि ये किस तरह से तैयार होकर आएगी। तो फ्रेंड्स हल्के टाइम के लिए मैंने इसे कंटिन्यू चलाया था, और कंटिन्यू चलाने के बाद देखिए ये तेल की सतह पर तैरने लगती है। जब ये पूरी तरह पक जाती है तो आपकी जो ये चना दाल है वो तेल की सतह पर तैरने लगेगी। तो समझिए कि जो तैरने वाली चना दाल है वो बहुत अच्छे से पक गई है, और धीरे धीरे वो जितनी चना दाल नीचे तेल में होगी फ्रेंड्स, वो सारी तेल की सतह पर आसानी से तैरने लगेगी। तब आपको समझना है कि मेरी ये चना दाल पूरी तरह से पक गई है। तो इस तरह से आपको सारे चना दाल को निकाल लेना है। फिर जो दूसरा बैच मैंने रखा हुआ था और भी मैंने बचाया हुआ था उसको भी मैं डालूंगी यहाँ पर। तो इस तरह करके आपको सारे चना दाल को जो आपने छान रखा है उसको निकाल लेना है, फिर दूसरे बैच को भी डाल देना है, और कंटिन्यू चलाते हुए फिर से इसे उसी तरह से पकाना है। जब ये कुछ टाइम के लिए पकेगी फिर ये खुद ब खुद तेल की सतह पर तैरने लगेगी। तो उस स्टेज पर आपको उस बैच को भी निकाल कर दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर देना है। तो इस तरह से फ्रेंड्स चना दाल आपकी बहुत अच्छे से पक कर रेडी हो जाएगी कुरकुरी। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, बातों ही बातों में ये भी चना दाल ऊपर की तरफ आने लगी है, सारे ऊपर की तरफ तैरने शुरू हो गए हैं। तो इसे भी मैं निकाल देती हूँ और चलती हूँ अब अगला प्रोसेस करने के तरफ। गर्म में ही सभी प्रोसेस करना है फ्रेंड्स, अगला प्रोसेस जो मैं करूँगी ठंडा होने के बाद ये प्रोसेस नहीं करना है। तो अगला प्रोसेस करने के पहले मैंने यहाँ पर 2 मिर्च लिए जिसे मैंने तोड़ लिया था, तोड़कर इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेती हूँ, क्योंकि किसी भी रेसिपी में अगर फ्राई मिर्च मिल जाती है तब तो सोने पर सुहागा, वाह क्या कहने। तो अच्छी तरह से हरी मिर्च को भी फ्राई कर लेनी है फ्रेंड्स, इसे भी निकाल लेना है, और चलिए चलती हूँ अगले प्रोसेस की तरफ। तो जो भुनी हुई सारी चीज़ें थी मैंने एक जगह इकट्ठा कर लिया, उसमें से जो पापड़ था उसको मैंने अच्छी तरह से तोड़ लिया है छोटे टुकड़ों में ताकि एक जैसा हो जाए, एक साथ सब चीज़ें हो जाए। उसके बाद सभी चीज़ों को मैंने मिक्स कर दिया। अब इसमें मैं डालूंगी कुछ मसाले। मसाले में मैंने सबसे पहले डाला है फ्रेंड्स यहाँ पर नमक। नमक तो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है। तो नमक डालने के बाद मैंने डाला थोड़ी सी आमचूर पाउडर। मैं यहाँ पर आमचूर पाउडर में थोड़ी सी कटिंग करके आमचूर का स्टिकर रख देती हूँ ताकि वो हमें पता चले। तो आज छोटी छोटी चम्मच सभी चीज़ें लेनी है। साथ ही मैंने लिया यहाँ पर काला नमक।
काला नमक डालकर मैंने सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लिया है। फ्रेंड्स इसमें दो चीज़ें अभी और जाएंगी जो इसको बहुत ही डिलीशियस बनाएगी। तो मैंने इसे डाल दिया एक बर्तन में। बर्तन में डालने के बाद मैं इसमें डालूंगी थोड़ी सी देगी मिर्च ताकि इसका कलर काफ़ी सुंदर आ जाए। तो देगी मिर्च के साथ ही मैंने थोड़ी सी जो मैगी के अंदर पाउच होती है वो मैंने रखी हुई थी उसे मैंने डाल दिया। इसमें काफ़ी ज़्यादा फ्लेवर होता है फ्रेंड्स। तो मिर्च और मसाला मैजिक जैसी जो मैगी का पाउच है वो मैंने डाल दिया, साथ ही मैंने हरी मिर्च डाला। अब मैं इसे मिक्स करूँगी और इसे परोसूँगी। जब चाय बनाएं और खाना बनाने का कुछ मन नहीं हो, नाश्ता बनाने का कुछ मन नहीं हो, तो इसे निकालें एक बर्तन में और चाय के साथ सर्व कर दें। तो आई होप आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी फ्रेंड्स और बहुत ही हेल्पफुल लगी होगी। इसे आप स्टोर भी कर सकते हैं। तो मैंने ये जो रेसिपी शेयर की अगर आपको अच्छी लगी है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स कि कैसी लगी। और फ्रेंड्स चलिए मैं आपको एक टिप दूंगी मिर्च को स्टोर करने का। तो हम लोग महीनों तक मिर्च को किस तरह से स्टोर कर सकते हैं, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है हरी मिर्च। अभी तो सर्दी का मौसम है तो बहुत ज़्यादा मात्रा में हरी मिर्च मिल जाती है, सब्जी वाले भैया ऐसे भी दे देते हैं हम लोग को। तो उसको क्या करना है, उसके सिर पर जो टोपी लगी हुई है, जो उसके डंठस लगे हुए होते हैं, उसको तोड़ के सभी को हटा लेने हैं। हटाने के बाद इसको अच्छी तरह से धुल लेना है। धुलने के बाद इसे कॉटन के कपड़े से अच्छे से पोंछ देना है, मतलब पानी की मात्रा इसमें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए फ्रेंड्स। जब इसकी पूरी पानी सूख जाएगी बिल्कुल अच्छी तरह से इसके पानी को पोंछ पोंछ कर सुखा देना है पूरी तरह से। देखिए एक कूद कर बाहर आ गई थी तो उसे भी मैंने इकट्ठे रख लिया, सभी बहुत ज़्यादा फुदकते हैं। तो इसे मैंने पोंछ लिया अच्छी तरह से। अब मैं क्या करूँगी, इसे एयर टाइट डब्बे में, कोई भी प्लास्टिक का डब्बा हो, स्टील का डब्बा हो आप रख सकते हैं, उसमें आपको डाल देनी है। डालकर इसको रखना कहाँ है कि, तो फ्रीजर के जो नीचे वाला पार्ट होता है, आई मीन फ्रीजर में नहीं रखना है फ्रेंड्स। इसको नॉर्मल जो फ्रिज हम लोग जिसमें हम लोग सब सब्जियों को खाने को रखते हैं उस जगह पर रख देना है। बस करना क्या है, सप्ताह में एक बार इसे चेक कर लें, ढक्कन को खोलें और उसे चेक कर लें कि सब सही सलामत है कि नहीं। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप मिर्ची को काफ़ी अच्छे से स्टोर करके रख सकते हैं। तो आई होप आज की दोनों वीडियोज आपको बहुत पसंद आई। तो फ्रेंड्स आई होप आज की दोनों वीडियोज आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियोज अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियोज को लाइक देना बिल्कुल ना भूलें फ्रेंड्स। साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फिर मिलती हूँ नई रेसिपीज के साथ। ओके बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।